Assalamu alaikum and welcome back to my channel. This is Miss Anam, microbiologist and MPhil scholar. जी तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी स्टैटिस्टिकल मेथड्स के हवाले से, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कलेक्शन ऑफ डेटा बताऊंगी, यानी कि ये टॉपिक मैं कवर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कलेक्शन ऑफ डेटा बताने से पहले मैं आपको डेटा की टाइप्स बताती जा रही हूँ, जिसके मुताबिक आपने कलेक्शन करनी है डेटा की, जिसमें फर्स्ट आ जाता है क्वांटिटेटिव डेटा, सेकेंडली क्वालिटेटिव डेटा, देन प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सीक्रेट एंड ओपन डेटा, एंड लास्ट में जो है एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो फर्स्टली हमारे पास है क्वांटिटेटिव डेटा, वो डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे पास मौजूद हो, कलेक्ट हो, यानी कि द डेटा दैट इज़ एक्सप्रेस इन नंबर्स। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है हाइट, वेट, एजेस ऑफ स्टूडेंट्स। देन हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव डेटा, द डेटा फॉर डिस्क्रिप्शन विदाउट मेजरमेंट, यानी कि ऐसा डेटा जिसमें जो है मेजरमेंट का कोई काम ना हो, यानी नंबरिंग का कोई काम ना हो। और इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है किसी भी चीज़ का जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी, या फिर किसी का भी बिहेवियर ऐसे पर्सन्स का। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। देन नंबर थर्ड पे हमारे पास है प्राइमरी डेटा, डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पर्सन रिसर्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि ऐसा डेटा जो कि पहले से कलेक्ट ना किया गया हो, ऐसे डेटा को जो है प्राइमरी डेटा कलेक्शन में हम रखते हैं। और इम पर्सन यानी कि जिसने ये डेटा जो है रिसर्च करना है वो खुद ही कलेक्ट करेगा। और इसको अगर हम आगे रिप्रेजेंट करें कलेक्शन के हवाले से, तो इसमें सर्वेज आ जाते हैं, क्वेश्चनरीज आ जाते हैं, और इंटरव्यूइंग रिस्पोंडेंट्स आ जाते हैं, यानी कि इसके बेसिक स्टेप्स हैं डेटा कलेक्शन के लिए। सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी के बाद मैं आपको सेकेंडरी डेटा का बताती चलूं कि ऐसा डेटा जो कि ऑलरेडी बीइंग कलेक्टेड, यानी कि पहले से वो कलेक्ट किया गया हो, पहले से उसका रिकॉर्ड मौजूद हो, ऐसे डेटा को जो है हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा, यानी कि आपने जस्ट रिकॉर्ड को ओपन करना है और उसको रीड आउट करना है जर्नल्स वगैरह को, तो ये सेकेंडरी डेटा कलेक्शन कहलाएगा। देन हमारे पास आ जाता है सीक्रेट एंड ओपन डेटा। ओपन डेटा यानी कि आप इजीली शेयर कर सकते हैं उसको, और सीक्रेट डेटा वो होता है जिसको आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। कोई भी इशू हो सकता है इथिकल इशू की वजह से, या कोई और रिसर्च सीक्रेट रिसर्च इशू की वजह से, तो वो आप शेयर नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा आ जाता है। एन एक्सपेरिमेंट इज़ अ डेटा कलेक्शन मेथड वेयर यू एज अ रिसर्चर चेंज सम वेरिएबल्स एंड ऑब्जर्व देयर इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल। तो ऐसा डेटा जिसको साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च के बाद जो है उसमें कुछ चेंजेस लाएं, तो ऐसे डेटा को एक्सपेरिमेंटल डेटा कहते हैं। देन टाइप्स ऑफ डेटा के बाद जो है हमारे पास आ जाता है दूसरा मेन पॉइंट, स्टडी मेथड्स, जिसमें के लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मेथड आ जाता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी मेथड आ जाता है, इकोलॉजिकल स्टडी मेथड आ जाता है, और सैम्पल स्टडी मेथड आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, ये भी वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये रेगुलर स्टडी है, यानी कि इन कंटिन्यूटी में जो है ये रिसर्च चल रही होती है, और इसको जो है फ्यूचर में भी और पास से ये चलती आ रही है, और फ्यूचर में भी इन कंटिन्यू रहेगी ये रिसर्च। तो इस तरह की रिसर्च को कंटिन्यू रिसर्च को जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में शुमार किया जाता है। देन क्रॉस सेक्शनल स्टडी और एडहॉक स्टडी कहलाती है। किस तरह से इसकी डेफिनेशन है कि द रिसर्च डन फॉर ए स्पेसिफिक टाइम और परफॉर्म वंस इन अ वाइल, यानी कि कुछ ही टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रिसर्च जो है
वो स्टार्ट की जाए और वो कुछ ही टाइम में ख़त्म हो जाए, तो ऐसी रिसर्च को क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। देन इकोलॉजिकल स्टडी में हमारे पास आ जाता है स्टडिंग अ पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल्स, आल्सो नोन एज सेंसस इंक्वायरी, यानी कि जितनी भी होल पॉपुलेशन यानी होल सेट ऑफ डेटा है वो सारा इसके अंदर स्टडी के अंदर आ जाता है। तरह की स्टडी को हम सेंसस इंक्वायरी भी कहते हैं। देन हमारे पास सैम्पल स्टडी आ जाती है। सैम्पल स्टडी में हमारे पास जो है हम फोकस स्टडी ग्रुप्स को लेते हैं और इसमें हम रैंडम सैम्पलिंग भी ले सकते हैं और इसके अलावा हम कंटिन्यू यानी कि एक सेट ऑफ जो है ना ग्रुप्स को भी सैम्पल एज अ सैम्पल के तौर पर ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी स्टडी टाइप्स कंप्लीट। देन मैं यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन बताती चलूँ कि द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी मेजर्ड, नो बियास डेटा कलेक्शन और स्टैटिस्टिकल यूनिट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। तो यहाँ पे मेरी वीडियो होती है एंड। आई होप मेरी वीडियो आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।